गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर सेकंड ईयर, पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी मीन को मैंने आपको पढ़ाया था, अव्यवस्थित से मैंने आपको सबसे पहले में करवाया था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था व्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मीन मध्यमान की गणना। व्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मध्यमान की गणना मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, दो फॉर्मूले थे उसके, दीर्घ विधि और संक्षिप्त विधि, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। मैंने आपको लॉन्ग मेथड से सवाल करवाया था जिसका फॉर्मूला था m इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जिसमें हमें कुछ नहीं करना था, मिड पॉइंट याद करके x बीच में का मिड पॉइंट करके हमें सिर्फ सीधा सा उसको मल्टीप्लाई करना था और उसको n से डिवाइड करना था, आवर्तियों के योग से डिवाइड करना था। आज मैं आपको व्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मध्यमान की गणना का संक्षिप्त सूत्र से सवाल करवाऊंगी। किससे करवाऊंगी? संक्षिप्त सूत्र से। तो हम यहाँ लिख लेंगे व्यवस्थित अंकों से मध्यमान, व्यवस्थित अंकों से मध्यमान की गणना। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? संक्षिप्त सेकंड लिख लो इसको, फर्स्ट तो मैंने करवाई ना दीर्घ विधि, क्योंकि संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट मेथड। क्या कहते हैं संक्षिप्त विधि को? शॉर्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल a m सॉरी m इक्वल a m प्लस सिग्मा f d अपॉन n मल्टीप्लाई c i। क्या आएगा? मल्टीप्लाई c i, a m इक्वल प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाई सी आई। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। कौन से उसका? संक्षिप्त मेथड का या सॉरी संक्षिप्त विधि का या शॉर्ट मेथड का। अब हमारे पास में सबके मीनिंग लिख लेंगे, एम इक्वल मध्यमान, ए एम कल्पित मध्यमान, कल्पित मध्यमान, एम का मतलब क्या होएगा? कल्पित मध्यमान, एफ आवर्ती, डी कल्पित, डी का मीनिंग क्या हो जाएगा? डी कल्पित मध्यमान, कल्पित मध्यमान से विचलन, कल्पित मध्यमान से विचलन, एफ डी आवर्ती, और कल्पित, मध्यमान, विचलन का गुणा, फिर n आवर्तियों का योग, n आवर्तियों का योग और ci वर्गांतर, का आकार, क्या आ गया हमारे पास में? संक्षिप्त मेथड आ गया, सॉरी संक्षिप्त मेथड है। संक्षिप्त मेथड से हम जब फॉर्मूला करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एम इक्वल ए एम कोष्टक, इसको हम कह सकते हैं ब्रैकेट, सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाई सी आई। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है? फॉर्मूला है। ए एम कल्पित मध्यमान, एफ आवर्ती, डी कल्पित मध्यमान से विचलन, एफ डी आवर्ती और कल्पित मध्यमान विचलन का गुणा,
एन आवर्तियों का योग और सी आई वर्गांतर का आकार, ये है। अब हमारे सवाल देखते हैं हम कि हमारे सवाल क्या है, कि किस तरीके से इस फॉर्मूले से हम सवाल को कहेंगे। हमारा सवाल है आज का सी आई फिर एफ। सी आई का मतलब प्राप्तांक, एफ का मतलब आवर्ति, ठीक है। बार बार एक ही चीज लिखवानी जरूरी नहीं, इतना आप याद रखना। 31, 33, 28, 30, 28, 28, 29, 30, 31, 16, 18, 21, 16, 18, 30, 15 और 10, 12। आवर्ती है हमारी 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन एन हम याद करेंगे तो इस आवर्ती का हम योग कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17। तो एन हमारा क्या आ जाएगा, 17। क्या आ गया हमारा एन, 17। अब हमें प्राप्तांक दे रखे हैं, वर्गांतर दे रखा है, लेकिन अब हमें एक्स थोड़ी ना दे रखा, एक्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मिड पॉइंट याद करना पड़ेगा। तो एक्स हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। अब हमारे पास में दे रखा है 10, 11 और 12। यहाँ पर भी हमारे पास में इसी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे पास में 3 नंबर दे रखे हैं, तो बीच का नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होएगा। तो जब बीच का नंबर मिड पॉइंट होएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 11, 14, 17, फिर 20, 21, 26, 27 और 32 ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 29। तो क्या आ जाएगा, 32, 29, 26, 23, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई, 23, फिर 20, 17, 14 और 11। हमारे पास मिड पॉइंट आ गए सारे। अब अभी तो हमारे पास में डी याद करना है हमें। अब डी कैसे याद करें हम, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो क्या दे रखा है, एफ डी। सबसे पहले हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पर, एम ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाई सी आई। क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई सी आई, ये अब हमारा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में तो क्या दे रखा है, एफ डी दे रखा है, लेकिन एफ तो हमारे पास में है, एफ तो हमारे पास में है, लेकिन हमें डी तो याद करना पड़ेगा। तो अब डी याद करने का क्या है, ये डी हम यहाँ लिखेंगे, और डी याद करने का फॉर्मूला लिख लेना, एक्स माइनस ए एम अपॉन सी आई। अब हमारे पास में एक्स क्या है, अब हम यहाँ से कल्पित मध्यमान मानेंगे, क्या मानेंगे, एस म्यू मीन। तो हमारे पास में क्या आएगा, अब हमारे पास में एन हमारे पास में कितना दे रखा है, 17। सी आई हमारे पास में कितना है, भाई 3 तो है, सी आई तो ज्यादा थोड़ी ना है, तो सी आई हमारे पास में हमने कितना लिखा, 3। 10, 11, 12 तो सी आई इसमें को ही याद करेंगे, तो सी आई कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, एन हमारे पास में 17 दे रखा है। अब हमें इस एक्स में से क्या मानना है, ए एम मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो अब हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, भाई हमारे पास में कितने डिजिट दे रखे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 4 यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ से 4 छोड़ेंगे, तो मिड पॉइंट तो कुछ आएगा नहीं। उस कंडीशन में हम इन दोनों ही नंबर में को क्या मान सकते हैं, ए एम मान सकते हैं।
वैकल्पिक मध्यमान मान सकते हैं, चाहे हम 20 को माने चाहे हम किसको माने 23 को माने, दोनों में से किसी भी एक को हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किसको माना, 23 को हमने AM मान लिया। क्या मान लिया, तो यहाँ हम लिखेंगे AM इक्वल 23, AM इक्वल 23। अब हमें हमारे पास में N आ गया, CI आ गया, AM आ गया, हमें याद क्या करना है, लेकिन अभी भी सिग्मा FD याद करना है। तो D निकालेंगे, तो D निकालने का सूत्र है X माइनस AM अपॉन CI। तो D हमारा क्या है 32 माइनस X क्या है 32, AM क्या है 23, डिवाइडेड क्या करेंगे 3, तो क्या जाएगा 9 और 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, क्या जाएगा 3, और 3 कौन से आएंगे, प्लस के 3 आएंगे। यहाँ पर आप ये माइनस और कैलकुलेशन करोगे ना, तब आपको प्लस और माइनस, देखो सबसे बड़ी बात है अगर किसी को आता है तो बहुत ही इजी गोइंग है कि हम यहाँ पर सीधा सा जीरो लिख दें, जीरो लिख के यहाँ पर सारे 23 से क्या हैं छोटे हैं, तो सारे ही क्या नंबर आएंगे, माइनस में आएंगे। कैसे आएंगे माइनस में, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 4, इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर नंबर बड़े हैं सारे, तो जब माइनस होंगे तो सभी प्लस में होंगे, तो यहाँ पर इसलिए क्या जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2 और यहाँ पर प्लस का 3 पाई गया। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें आपको, मुझे आपको डी याद करना सिखाना जरूरी है। ये तो ठीक है, नॉर्मल वे है, हम इस तरीके से लिख लेंगे, लेकिन कभी कभी ये होता है कि डी आया कैसे, ये माइंड में होता है। तो डी का इसलिए फॉर्मूला याद करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एम अपॉन सी आई। अब ए है हमने कल्पित मध्यमान माना 23, इसलिए हम एक्स हमारे पास में है 32, तो 32 माइनस 23 अपॉन 3, तो 9 अपॉन 3, तो प्लस का 3 आ जाएगा। इस जगह हम अगर सवाल करते तो हमारा माइनस 1 कैसे आया, ये भी बता देती हूँ कि हमारा माइनस 1 20 माइनस क्या जाएगा 23 अपॉन 3, तो हमारे पास में क्या आएगा माइनस का 3 अपॉन 3, तो 3 से 3 तो माइनस का 1, इसलिए हमारे पास में क्या आया है, यहाँ पर माइनस 1 आया है। देख लो 23 अपॉन 3, तो 3 डिवाइड माइनस 1, तो 3 अपॉन 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। आ गया समझ में, नहीं आया हो तो बाद में पूछ सकते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एफ मल्टीप्लाई डी। अब हमारे पास में जो क्या आया है 1 और 3, 2 और 2, 3 और 1, इस तरीके से हम इन सब पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 वन ज़ा 3 प्लस का, 2 टू ज़ा 4 प्लस का, 3 वन ज़ा 3 प्लस का, और यहाँ पर 0 माइनस का, 3 वन ज़ा 3 माइनस का 4 माइनस का 3 और माइनस का ही 4। अब हम क्या करेंगे, माइनस के नंबर को एक साथ ऐड करेंगे और प्लस के नंबर को एक साथ ऐड करेंगे। सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ 3 है, ये 3 वन ज़ा 3, तो 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 और 7, तो यहाँ पर प्लस का तो क्या जाएगा 10, प्लस का क्या आ गया 10, और इसी जगह पर हम इसको ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 14, तो माइनस का क्या आ जाएगा 14 आ गया। अब 10 और 14 को करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ डी क्या आएगा, माइनस 4, क्या जाएगा माइनस 4। प्लस के नंबर ऐड करें एक साथ, माइनस के नंबर ऐड करें, तो प्लस के नंबर ऐड करेंगे तो 10 और माइनस के नंबर ऐड करेंगे तो माइनस के 14। माइनस 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा माइनस 4 आएगा। अब हमारे पास में क्या आ गया, एफ डी आ गया। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, एम की जगह रखेंगे 23 प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी हमारा क्या आया है माइनस 4, माइनस 4, एन कितना है 17 और सी आई हमारा कितना है 3। अब हम सवाल कर लेंगे, 23 प्लस
माइनस फोर मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई थ्री अपॉन 17, तो 23 प्लस 12 माइनस 17, और 12 माइनस 17 करेंगे तो 23 प्लस हमारे पास में नंबर जो आएगा माइनस के 0.706, इसके आएंगे माइनस के 0.076 आएंगे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 23 प्लस करेंगे तो आप इसको ऐड कैसे करेंगे देखना, 23 हमारे पास में क्या है, इधर ज़ीरो है तो 0.7 सॉरी हमारा ये क्या आ जाएगा 23। अब पॉइंट देखना, ध्यान रखना पॉइंट के पीछे का नंबर है तो पॉइंट के पीछे ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 706 है, तो ऊपर नंबर जीरो लगेंगे, माइनस करेंगे तो 4 9, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9 ही नहीं बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा 9, और यहाँ पर आएगा सॉरी 8 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर 2 तो क्या जाएगा 22.294, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 22.29 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऐड करते टाइम भी ध्यान देना कि जब हम दशमलव में ऐड करते हैं तो हम किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.29। सीधा सा दे रखा है माइनस 17 को डिवाइड करेंगे 12 में तो क्या आएगा 0.706 आएगा, जिसको हम इसमें ऐड करेंगे माइनस और प्लस है तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस में आंसर आ जाएगा 22.294। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये मैं समझती हूँ। आज आपका गृह कार्य प्रश्न मैं आप देती हूँ कि आपका गृह कार्य प्रश्न क्या है, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ आएगी समझ में, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखना। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है कार्य में लिखना 22 23 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 10 11। सी एफ है 2 2 3 5 4 2 2। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है, इससे हम क्या करेंगे आप मीन याद करके देखना किस तरीके से आप कर सकते हो। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।